बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड टीचर, डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ जाहिद जावेद आपके साथ मैथमेटिक्स सेवन के यूनिट सेवन के साथ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, और आज है हमारा लेसन नंबर 13। आज का हमारा एसएलओ है फैक्टराइजेशन ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। लेसन प्लान अटैच है, टीचर एंड स्टूडेंट्स इससे फायदा ले सकते हैं। टुडेज कॉन्सेप्ट इज फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। यहां पे मेरे पास है फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग द कॉमन फैक्टर्स एंड फैक्टराइजेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस या माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो हमने कॉमन फैक्टर्स की फैक्टराइजेशन करनी है, और या फिर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को की फैक्टराइजेशन करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास पहले है फैक्टराइज द 4x माइनस 16y, 4x माइनस 16y को फैक्टराइज करना है। तो वेरी सिंपली इन दोनों में हमने देखना है कि क्या चीज कॉमन है। तो 4 कॉमन अगर मैं ले लेता हूँ, 4 एक ऐसा नंबर है जो कि 4x और 16y दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 4 4 16 4y। ओके, तो हमारे पास आ गया आंसर 4 into x minus 4y। तो फैक्टराइजेशन हो गई, इतनी ही हो सकती है, इससे मजीद इसको फैक्टर्स हम नहीं बना सकते। सिमिलरली हमारे पास एक और इक्वेशन है 36a² प्लस 84ab प्लस 49b², तो हमने इस पे को हमने फैक्टराइज करना है। तो देखते हैं किस तरीके से हो सकता है। हम यूज कर देते हैं अपने फॉर्मूलाज या आइडेंटिटीज को। देखें 36a² मींस दैट 3a² और प्लस 49b² मींस दैट 7b² और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2, जो कि हमारे पास 2ab वाला फॉर्मूला होता है, हम लिखते होते हैं a² प्लस 2ab प्लस b². ठीक है, हमारे पास एक आइडेंटिटी है a² प्लस 2ab प्लस b², जो कि एंड में हमारा आंसर देती है a प्लस b का होल स्केयर। तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने इस क्वेश्चन को a² प्लस b² और प्लस 2ab की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। अगर ऐसा हो गया तो फिर हम उसको a प्लस b का होल स्केयर की फॉर्म में लिख सकेंगे। तो देखते हैं, पहले हमने 36a² को 3a 6a² लिखा है, क्योंकि 36 6 का स्केयर होता है, इसलिए हम इसको लिखा 6a² और फिर 49b² को 7b² लिख दिया, बिकॉज 49 जो है वो 7 का होल स्केयर है। तो यहाँ पे 2ab आना है दरमियान में, तो a हमारे पास यहाँ पे है क्या है 6a, एक ही जगह पे हमारे पास 6a है और b जो है वो हमारा 7b है। अब हम 7b 6a और 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे, अगर वो 24 हो गया 84 सॉरी हो गया, तो इट मींस दैट कि ये हमारी पूरी इक्वेशन a प्लस बी होल स्केयर की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकेगी। तो देखते हैं 7 6 42 and 42 multiply 2 is 84। तो ये बन गया हमारा दरमियान वाली वैल्यू 7 6 42 and 42 2 84 ab। तो सेंटर वाली हमारी वैल्यू बन रही है 84 ab, और ये वाली वैल्यू हमारे पास 36a² और ये लास्ट अब हमारे पास 7b होल स्केयर जो था वो 49a² हो गया। तो यूं बना a² प्लस 2ab प्लस b². तो हम इसको लिख सकेंगे 6a प्लस 7b होल स्केयर। ओके, तो हम लिखेंगे, हमने क्या आंसर लिखा 6a प्लस 7b होल स्केयर, और अगर हम इसको होल स्केयर को इंडिविजुअली लिखें तो ये बन जाएगा 6a + 7b × 6a + 7b। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन हो गई इस क्वेश्चन की, कि हमने इसको एक कंप्लीटिंग स्केयर या आइडेंटिटी की फॉर्म में कन्वर्ट किया और वो बन गया होल स्केयर। जब होल स्केयर हो तो उसको 2 times लिखा जा सकता है, जब होल स्केयर हो तो हम उसको 2 times लिख सकते हैं, जैसे कि a² = a * a हो सकता है। तो इसी तरीके से a + b होल स्केयर
इज इक्वल टू ए प्लस बी इन टू ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो फिर इसका मतलब हुआ कि 7a प्लस 7 सिक्स ए प्लस 7b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6a प्लस 7b इन टू 6a प्लस 7b की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। तो ये हमने इस तरीके से दो इक्वेशंस को फैक्टराइज करना सीखा। तो आगे चलते हैं, आज का हमारा रैप अप फैक्टराइजेशन ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाते हैं जहां पे हमारे पास है लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। तो मैं चाहूंगा आपसे इजाजत, अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।